हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अचीविंग हाइट्स। अचीविंग हाइट्स में मैं नमिता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ESIC में रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, मींस कैसे हम लास्ट रिटर्न्स जो हमने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन में सपोज हमने कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स डालने से रह गई थी, या हमें कुछ और एम्प्लॉय को ऐड करना है पिछले मंथ में जाके, या फिर हमने कम वेजेस डाली थी, या फिर नंबर ऑफ डेज कम डाल दिए थे, तो हमें उसे जाके करेक्ट कर सकते हैं। इसे सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन फाइलिंग भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ESIC के पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो हम देखते हैं हमें तीन कॉलम है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और मंथली कंट्रीब्यूशन। यहाँ हमें मंथली कंट्रीब्यूशन में फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आके हमें मंथ सेलेक्ट करना होगा, किस मंथ का रिटर्न को हम रिवाइज करना चाहते हैं या करेक्ट करना चाहते हैं, नवंबर का करना है। यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। नॉर्मली हम मंथली कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं, इसकी बजाय हमें यहाँ पे सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करना होगा। अगेन सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको IP नंबर डालना होगा, जो एम्प्लॉई है उसका इंश्योरेंस नंबर होता है, ESIC कोड होता है, वो डालना होगा। यहाँ पे आके उसका वेजेस, नंबर ऑफ वेजेस डेज डालने होंगे, टोटल वेजेस डालने होंगे। अगर किसी एम्प्लॉय के नंबर ऑफ डेज ज़ीरो है या मंथली वेजेस ज़ीरो है तो रीज़न सेलेक्ट करना होगा, और लास्ट वर्किंग डे अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है या जा चुका है तो उसका लास्ट वर्किंग डे भी डालना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम IP नंबर डालते हैं ये ऑटोमेटिकली नेम ले लेता है। अब हमें नंबर ऑफ डेज और वेजेस डालनी होगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने के लिए यह है कि हम इसमें वेजेस को कम नहीं कर सकते। सपोज़ हमने वेजेस लास्ट मंथ में 8,000 डाला था और हम चाहते हैं कि हम उसे 7,500 कर दें, तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। हम बढ़ा के डाल सकते हैं, कम करके नहीं डाल सकते। अभी हमें और भी एम्प्लॉय को ऐड करना है तो हम यहाँ पर एड मोर एड मोर, ऐसे जितने भी IP ऐड करने हैं आपको आप कर सकते हैं।
बाद में हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये सबमिट हो चुका है। अब हमें इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगी, जैसे हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो चालान जनरेट करते हैं, सेम वैसे ही हमें इसमें भी चालान जनरेट करना होगा। व्यू करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो नए आईपी को ऐड किया है, ऑलरेडी मेरा नवंबर का रिटर्न फाइल है, मैंने 9,667 रुपीज़ का पे कर चुकी हूँ। अभी जो मैंने नए आईपी को ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा टोटल जो ईएसआईसी पेमेंट बनता है वो 12,468 बनता है। तो जो बैलेंस अमाउंट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब इसके लिए हमें चालान जनरेट करना होगा, तो यहाँ पर हम 2800 डालेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल इतना ही हो रहा है। सेम अमाउंट जो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया हुआ है नवंबर के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे, देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा चालान ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, ये चालान नंबर है, रेफरेंस के लिए हम इसे नोट कर सकते हैं। अगर हमें अभी पेमेंट करना है तो हम कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और हम इस चालान को कैसे ढूंढ सकते हैं नेट पे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हमसे खो जाता है और हमें मिल नहीं पाता है कि हमारा चालान नंबर क्या था, तो हम इसे कैसे देख पाएंगे। अब जो हमने जिन लोगों को ऐड किया है उनकी डिटेल्स देखने के लिए हम व्यू मंथली कंट्रीब्यूशन में जाएंगे, सेम मंथ सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके आप डिटेल्स देख पाएंगे जिन लोगों को आपने ऐड किया है। ये देख सकते हैं अभी हमने केबी गिरीशा, इन चार लोगों को पांडुरंगा, इन लोगों को ऐड किया था, इनकी डिटेल्स भी अभी यहाँ पे आ चुकी है। हम चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। सो इस तरह से हम नए एम्प्लॉय को ऐड भी कर सकते हैं, या कुछ एम्प्लॉय की डिटेल्स डालने से रह गई थी उनकी डिटेल्स डाल भी सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम चालान को सर्च कर सकते हैं। नेट पे जाके आप सर्च इंजन पे जाके आप चालान पेमेंट डालेंगे, ESIC ई चालान पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आप अपना ESIC कोड डालेंगे अपने एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब आपकी कंपनी का, देन कैप्चर कोड, यहाँ पे ही दिखा देगा। ये हमने जो अभी 2801 का चालान बनाया है वो चालान यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जितने भी चालान आपके ऑलरेडी जनरेटेड हैं, जो पेड नहीं हुए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमें इसे पे करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और नॉर्मल जिस बैंक से हमें पे करना है उसे सिलेक्ट करके नेट बैंकिंग के थ्रू इसे पे कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम ESIC चालान जो ESIC रिटर्न जो हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसे फिर से करेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching this video. Bye-bye.